सब्सक्राइब कीजिए ब्राइट ज्ञान को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट चांद के बारे में। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि ये जो चांद की दूरी है यहाँ से 384,403 किलोमीटर है अपने पृथ्वी से। जी हाँ, पृथ्वी से चांद की जो दूरी है 384,403 किलोमीटर है। क्या आपको पता है कि चांद जो है पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल में। जी हाँ, चांद पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल में, अपने सौरमंडल में। क्या आपको पता है कि चांद का सिर्फ एक ही साइड हम लोग देख पाते हैं, दूसरा साइड हम लोग कभी देख ही नहीं पाते। दूसरा साइड हम लोग इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि खुद का जो चक्कर है 28 दिन में, लगभग 28 दिन में लगाता है, और पृथ्वी का भी वो तो चक्कर लगाता है, वो आपको पता ही होगा। पृथ्वी का ही चक्कर 28 दिन में ही वो लगाता है सेम। इसी वजह से हम लोग सिर्फ एक ही साइड उसका देख पाते, दूसरा साइड हम लोग देख ही नहीं पाते। क्या आपको पता है कि ये जो चांद है उसके पास खुद की रोशनी नहीं है, सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है, तो हमें चांद चमकता हुआ दिखाई देता है, जो कि चांद का सतह खुद ही अंधेरा है। क्या आपको पता है कि चांद दूसरा सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह है। दूसरा है तो पहला कौन सा है? जो पहला है वो है बृहस्पति। बृहस्पति पहला सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह है। क्या आपको पता है कि चांद और सूरज हमें समान आकार का दिखाई देते हैं पृथ्वी पर, लेकिन ऐसा नहीं है। चांद के 400 गुना बड़ा सूरज है, जो कि सूरज दूर है और चांद हमारे करीब है, इसके लिए दोनों समान आकार का दिखाई देता है दूरी की वजह से। क्या आपको पता है कि ये जो चांद है 3.8 सेंटीमीटर हर साल हम लोग से दूर जा रहा है। तो चलिए हम लोग जानने की ये कोशिश करते हैं कि चांद का निर्माण हुआ कैसे। 4.5 अरब साल पहले एक ग्रह आकर के अपने पृथ्वी से टकराया, फिर चांद का निर्माण हुआ। जी हाँ, पृथ्वी से टकरा करके उस ग्रह का नाम था थिया। थिया आया कहाँ से? ये जो थिया है मंगल ग्रह से आया। जी हाँ, जो थिया है मंगल ग्रह का टुकड़ा है। मंगल ग्रह का टुकड़ा आकर के पृथ्वी से टकराया, जिसका नाम थिया था। फिर उसके बाद टकराने के बाद चांद का निर्माण हुआ, जो कि अभी इस समय धीरे धीरे चांद अपने पृथ्वी से दूर जाने लगा, जो कि अभी 384,000 किलोमीटर अपने पृथ्वी से है। चांद ही एक ऐसा ग्रह है कि जो कि इंसान अपना कदम वहाँ पर रख पाया। सोवियत राष्ट्र का लूना 1 पहला अंतरिक्ष यान था जो कि चंद्रमा के पास से गुजरा था, लेकिन लूना 2 पहला यान था जो चंद्रमा की धरती पर उतरा था। जी हाँ, चंद्रमा की धरती पर उतरा था वो लूना 2 था। सन 1978 से लेकर 1972 के बीच मानव युक्त यान ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा, जिसमें से अपोलो 11 ने सबसे पहले कदम रखा। इन मिशनों ने वापसी के दौरान 380 किलोग्राम से ज़्यादा वहाँ की चट्टानें मिट्टी लेकर के लौटे, जो कि यहाँ पर चांद के बारे में स्टडी में बहुत सहयोग मिले। सन 1972 में अपोलो 17 यानी अपोलो 17 मिशन के बाद चांद का दौरा केवल मानव रहित अंतरिक्ष यान के द्वारा किया गया। अंतिम सोवियत लूनो खुद रोवर द्वारा किया गया था। सन 2004 के बाद से जापान, चीन, भारत, अमेरिका और यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी में से प्रत्येक ने चांद परिक्रमा के लिए यान भेजा। इन अंतरिक्ष यानों ने चंद्रमा पे पुष्टि की कि वहाँ पे जल है और बर्फ है। बात करते हैं चंद्रयान की, जो कि इसरो द्वारा भेजा गया था चंद्रयान 1, जो कि 2004 में, जो कि सबसे पहला क्रूज यान था अपने भारत का। क्या आपको पता है कि ये जो चांद यानी जो वेग है चांद की 2.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अपनी वो चक्कर लगाती है। क्या आपको पता है कि जो पृथ्वी पे ज्वार भाटा आता है उसका वजह चांद है? जी हाँ, चांद का जो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है इसी की वजह से। क्या आपको पता है कि धरती पर भूकंप तो आता रहता है, जिसको हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं, लेकिन चांद पे भी अर्थक्वेक जैसा भूकंप आता है, लेकिन वहाँ पे मून क्वेक बोलते हैं। वहाँ पे लगभग वहाँ के टाइम से लगभग आधा घंटा तक रहता है, लेकिन जो जितना पृथ्वी पे रहता है उसके हिसाब से वहाँ पे बहुत कम ही रहता है। क्या आपको पता है कि चांद पे जो गुरुत्वाकर्षण है यानी पृथ्वी का छठा भाग है, अगर यहाँ का 60 kg लेके जाया जाए चांद पे, तो वहाँ पे जो वजन होगा धरती पर से अगर 60 kg वजन हम चांद पे लेके जाएं, तो चांद पे जाकर के वही वजन
गुरुत्वाकर्षण की वजह से 10 केजी हो जाएगा। जी हाँ, यानी छठवां भाग होता है पृथ्वी का। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिए। ऐसे और भी रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।